छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छत्तीसगढ़ में हो रहे अन्याय एवं अत्याचार को लेकर आज जांजगीर चंपा जिले के कचहरी चौक में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल एवं कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस और जिला प्रशासन के बीच रास्ते पर ही रोक दिया था। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने किसानों को नकली खाद, नकली बीज एवं नकली कीटनाशक दवाइयां बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जांजगीर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर आरपी अंचला को ज्ञापन सौंपा है और किसानों को नकली खाद बीज बेचने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज छत्तीसगढ़ क्रांति सेना किसान मन के संग में होत अनाचार अत्याचार ला लेकर के आज जांजगीर जिला में आंदोलन करत है। लगातार किसान मन आत्महत्या करत है। आत्महत्या करे के पीछे के कारण का है, नकली दवाई बीजा बेच करके ये परदेशिया अवैध कारोबार करैया मन उमनला नकली दवाई बेचत है। खेत ओकर मन के भूंजावत है, फसल होवत नहीं है और फसल होवत नहीं तो कर्जा में बुड़ गए है, कर्जा चुका नहीं सकते, किसान आत्महत्या करत है। सरकारों सूते है, शासन और प्रशासन भी सूते है। उ जगाए खातिर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जबर किसान आंदोलन करे बर जांजगीर में जुड़िया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है जो जिलाधीश महोदय के महोदय को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने उनको संबोधित किया हुआ है। इसमें करीब 10 पॉइंट को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जैसे नकली दवाइयां बेचने के संबंध में जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वैसे ही अन्य 9 पॉइंट और भी हैं, तो उनके विरुद्ध जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आवेदन दिया हुआ है। और इस पर वरिष्ठ अधिकारियों से और जो आवेदन देने वाले हैं उन लोगों की भावनाओं के आधार पर इनके आवेदन में जो उल्लेखित बिंदु हैं उन पर चर्चा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चंपा से राजेंद्र रत्नाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।